एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल टेकबुक पे। चैनल पे आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। गाइज आपको पता है ये अपन अब तो बेस्ट वॉच हो सकती है। नथिंग ईयर वन आया था, फिर उसके बाद नथिंग ने अपना नथिंग फ़ोन वन लॉन्च किया। अब नथिंग अपनी एप्पल की रिजेंबल करने वाली, एप्पल के लुक को रिजेंबल करने वाली वॉच को लेके आने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आपको कुछ मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, एग्जैक्टली चीज़ें मेरे को भी नहीं पता है, मतलब जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं, मतलब फीचर्स जो बताए गए हैं वो एग्जैक्टली सेम है, बट जो आपको प्राइसिंग दी गई है, मतलब इसकी प्राइसिंग मेरे को बहुत ही तगड़ी लगी। मतलब इस प्राइस में अगर ये लॉन्च होती है तो गाइस मज़ा ही आ जाएगा। प्राइसिंग मैं आपको मिड में बताऊंगा ताकि आप पूरी वीडियो देखो, आधी वीडियो देख के आप निकल ना जाओ यहाँ से। तो इसीलिए मैंने भी थोड़ा सा बचा रखा है और स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग प्रीव्यू को। इसका मैं ऑफिशियल प्रीव्यू बहुत जल्द लेके आऊँगा, बट फिलहाल आप इसी प्रीव्यू में थोड़ा सा काम चला लीजिए और इसके फीचर्स आप जान लीजिए। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, आपको क्या लगता है TFT होगी, LTPS डिस्प्ले होगी या आपका LCD पैनल होगा? कौन सा पैनल होगा ये? IPS पैनल है? नहीं नहीं, ये है AMOLED डिस्प्ले। यस, 1.69 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले मिलेगी आपको इसमें। डीप ब्लैक स्पंची कलर्स, रिजोल्यूशन बहुत तगड़ा है, 360 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है। आपकी पिक एकदम क्लीन लगेगी जब आप वॉच फेस लगाओगे इसमें वॉच में, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। 360 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन दिया गया इसमें और साथ ही में 2.5D कर्व ग्लास भी है और रेस्ट वेक मिल जाएगा। ऑलवेज ऑन का फीचर है कि नहीं वो एक्जैक्टली बताया नहीं है, बट मेरे ख्याल से होना चाहिए अगर मतलब AMOLED डिस्प्ले दी गई है तो। 2.5D कर्व ग्लास तो है ही है, जैसा कि प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है कोई ना कोई, स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लास है ये, और शार्पनेस भी अच्छी मिल जाती है, 301 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस मिलती है, तो यहाँ पे क्लैरिटी बहुत अच्छी मिलने वाली है और अप टू 500 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, तो सनलाइट विजिबिलिटी यहाँ बेटर हो जाती है। 500 निट्स या 500 निट्स से ऊपर आप अगर कोई भी वॉच लेते हो तो पक्की जो सनलाइट विजिबिलिटी होती है बहुत ही बेटर होती है। AMOLED डिस्प्ले में तो आप समझ लीजिए 100 निट्स और एक्स्ट्रा कर लीजिए आप, क्योंकि AMOLED डिस्प्ले और ज़्यादा मतलब पंची कलर्स को लेकर आती है, तो डिस्प्ले के मामले में टॉप नॉच काम किया गया है। वॉच फेस की बात करते हैं, 100 प्लस क्लाउड बेस वॉच फेस मिल जाते हैं, अपनी पिक को भी ऐसा वॉच फेस लगा सकते हो। लाइव वॉच फेस मिलेंगे देखने के लिए, एनालॉग वाले भी मिल जाएंगे और फ्रीक्वेंट अपडेट्स भी आपको प्रोवाइड करती रहेगी एप्लीकेशन। और आगे बात आती है यहाँ पे फिटनेस मोड्स की, कितने सोच सकते हो गाइस? 150। यस, स्पोर्ट्स मोड 150 मिलते हैं आपको इसमें और IP67 डेप्थ 50 मीटर तक दिया हुआ है। आई डोंट नो यहाँ पे डेप्थ 50 मीटर, तो 580 वाटरप्रूफ की रेटिंग होनी चाहिए ना इसमें। IP67 लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे डेप्थ 50 मीटर तक दिया गया है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक वाटर लॉगआउट का फीचर दिया गया हुआ जैसे कि एप्पल की वॉच सीरीज में मिलता है आपको। और एक्यूरेसी बहुत अच्छी मिलने वाली है, आप 85-90% तक की एक्यूरेसी देखने को मिलने वाली है। और गाइस सारे के सारे सेंसर अवेलेबल हैं इंक्लूडिंग योर बीपी मॉनिटर। यस गाइस, आपने सही सुना, बीपी मॉनिटर भी मिलेगा देखने के लिए इसमें आपको, और स्ट्रेस मॉनिटर तो है ही है साथ में, SPO2 HR, BP और स्ट्रेस मॉनिटर। आगे बात आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की, स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, कॉलिंग फीचर मिलता है प्रॉपरली। यस गाइस, आपको इस वॉच में कॉलिंग फीचर मिलेगा, कॉल वाली वॉच है, आप इसमें नंबर को डायल कर सकते हो, कॉन्टैक्ट को सेव कर सकते हो और इवन यहाँ पे आपको डायल पैड मिल जाएगा नंबर डायल करने के लिए। उसी के साथ साथ कॉल कट म्यूट भी कर सकते हो, फुल टच पैनल, स्मूथ तो होगा ही होगा डेफिनेटली, बहुत अच्छी बात है, स्मूथ तो डेफिनेटली मिलने वाला है आपको। अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, कॉर्नर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, टॉर्च लाइट, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। GPS भी मिलता है आपको इसमें। यस, आपने सही सुना, यस गाइज, GPS भी है इस वॉच में। ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो 5.1 देखने को मिलता है। फाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। अब वॉइस असिस्टेंट है कि नहीं वो मैं कन्फर्म नहीं कर सकता, बट GPS टू भी कन्फर्म है इसमें। और एंड्रॉइड या iOS से आप पे कर पाओगे इस वॉच को, जैसे कि नथिंग फोन वन और मतलब नथिंग ईयर वन जो है आपका वो ही पेयर हो जाते हैं दोनों से, यहाँ पे भी एंड्रॉइड iOS से पेयर कर सकते हो आराम से। अब बात आती है यहाँ पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, तो यहाँ पे हार्डवेयर वाइज कहीं ना कहीं कस्टम UI यूज़ किया गया है। एक मेरे ख्याल से आई वॉच वाला मेन्यू देंगे शायद नथिंग वाले, और उस तरीके से क्राउन भी वर्किंग होगा इसमें डेफिनेटली 100%। और इंटरनल मेमोरी आपको इसमें मिल जाएगी, बट सॉन्ग्स को स्टोर करने का ऑप्शन है कि नहीं वो नहीं पता मेरे को, बट UI को रन करने के लिए, ओवरऑल यहाँ पे मैसेज स्टोर करने के लिए, रिप्लाई बैक का ऑप्शन, ये सब चीज़ें आपको करने के लिए तो इंटरनल मेमोरी कुछ ना कुछ दी गई है इसमें। और कस्टम UI जैसा मैंने आपको बताया, सिंगल बटन कंट्रोल एक तो मिलेगा नीचे की साइड जो बटन है, और एक आपको जो सेकंड बटन है वो क्राउन वाला होगा, वर्किंग वाला क्राउन। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में तगड़ा काम किया गया नथिंग की तरफ से। अब बात आती है बैटरी बैकअप, तो बैटरी जो कैपेसिटी है वो 280 mAh टू बी एक्जैक्ट बताई गई है। 15 डेज का स्टैंड बाय टाइम भी बताया गया, 2 घंटे फुल चार्ज में चलती है वॉच। 7 डेज का यहाँ पे रन टाइम क्लेम किया गया ऑन द पेपर। मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है यहाँ पे आपको, डॉक मैग्नेटिक चार्जिंग। एक्चुअल यूज़ की बात हम करें तो सारे के सारे नोटिफिकेशन कट डाउन करके अगर फिटनेस वॉच यूज़ करोगे तो अदर वॉचेस की तरह ये भी आपकी आराम से 4-5 दिन रन कर जाएगी, बट ऑन हैवी यूजेस 24 घंटे से लेके थोड़ा सा और ज़्यादा 30 घंटे तक आप आराम से यूज़ कर पाओगे। मेन फीचर्स पे आते हैं,
HR मॉनिटर मिलता है, SP2L मॉनिटर मिल जाता है, BP मॉनिटर भी मिल जाता है, स्ट्रेस मॉनिटर तो है ही है, स्लीप ट्रैक कर सकते हो यहाँ पे, नैप्स को रिकॉर्ड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे वो ऑप्शन नहीं पता मेरे को, बट यहाँ पे प्रॉपरली स्लीप को मैनेज कर लेती है, आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। कैलरी बर्न, स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन है, सेडेंटरी रिमाइंडर मिल जाता है, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन भी है, और गाइस ब्रीथ रिलैक्स का मोड भी देखने को मिल जाता है। और 1.69 इंच की जो डिस्प्ले है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, मतलब सीरीज 5 की तरह आप समझ सकते हो, तो यहाँ पे अच्छा खासा लुक आने वाला है, नॉर्मल टू मीडियम टू स्मॉल रिस्ट पे भी अच्छी लगेगी वो चीज़। बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, यस गाइस एप्पल को रिजेंबल करती है तो ऑब्वियसली बात है बिल्ड क्वालिटी एल्युमिनियम की होगी, यस एल्युमिनियम डायल है, बेस पॉलीकार्बोनेट मिल जाएगा आपको, वॉच का जो वेट है ज़्यादा नहीं है आपको, 50-55 ग्राम्स तक का मिल जाएगा, सिलिकन स्ट्रैप की क्वालिटी मिलेगी आपको, जो कि एप्पल स्ट्रैप जैसे आपको मिलने वाले हैं, आफ्टर मार्केट के आप लगा सकते हो वैसे, बट जो ट्रेडिशनल चलते हैं 22mm या 20mm वो टाइप के नहीं लगेंगे, इसमें एप्पल लुक वाले आपको स्ट्रैप यूज़ करे जाएंगे। वॉच डायल एल्युमिनियम है, बेस पॉलीकार्बोनेट मिल जाता है, तो बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच है यहाँ पे। अब प्राइसिंग पे आते हैं गाइस, मिड में मैंने नहीं बताया था, अभी आपको बता दूं प्राइसिंग, गेस करो आप कितना हो सकती है गाइस, यहाँ पे 10,000 से कम प्राइस रखा गया है, 8,000 से कम प्राइस रखा गया है, 7,000 से कम प्राइस रखा गया है, कितनी अच्छी बात है। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कब लॉन्च हो रही है, मेरे को बाय करनी है। आई नो गाइस आप बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हो, तो प्राइस है इसका जो लॉन्च प्राइस होगा इसका 6,500 होगा, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अब कितना होगा वो तो कन्फर्म नहीं पता, बट जो सूत्रों के हिसाब से खबर आ रही है वो 6,500 बोल रही है। 6,500 में अगर ये फीचर्स के साथ ये वॉच आती है तो वैल्यू फॉर मनी है, टोटली वैल्यू फॉर मनी है, जहाँ पे ऑनर या आपकी सैमसंग या फिर ओप्पो, वन प्लस इतने महंगे महंगे 10-12,000 से ऊपर, अमेज फिट की बात ही हम करें तो 10-12,000 से ऊपर की वॉचेज होती है जिसमें कॉलिंग फैसिलिटी देती हैं, वहीं पर यहाँ पे नथिंग आपकी वेस्ट वन लेके आती है, यहाँ पे 6,500 में GPS, आपको AMOLED डिस्प्ले और साथ में यहाँ पे इंटरनल मेमोरी कुछ ना कुछ मिलती है आपको, और एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी डेफिनेटली यहाँ पे, और GPS का फंक्शन मिलता है, तो गाइस ये सब चीज़ें, और 150 स्पोर्ट्स मोड कौन भूल सकता है, तो ये सब चीज़ों के साथ अगर ये वॉच इस प्राइस में लॉन्च होती है तो तहलका मचा देगी मार्केट में, और कोई वॉच इसके पास तक नहीं आ पाएगी, क्योंकि रियलमी ने भी एक तहलका मचाया था एक बार, रियलमी बड्स वायरलेस जब लॉन्च किए थे, वायरलेस चार्जिंग वाले बड्स अंडर 4,000 के प्राइस बैठे में, उस टाइम तहलका मच गया था, एप्पल को रिजेंबल करता था और बहुत ज़्यादा सेल भी गए थे, तो कहीं ना कहीं ये भी एप्पल को रिजेंबल करती है सीरीज 5 को, डेफिनेटली मेरे ख्याल से बहुत तगड़ी सेल होने वाली है इस वॉच की भी। एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता बट एक्सपेक्टेड डेट मैं बताया था, अगस्त के एंड तक ये सेल पे जा सकती है, मतलब आ सकती है, इंडिया में लॉन्च हो सकती है, क्योंकि नथिंग फोन 1 तो आ ही चुका है और डेफिनेटली बहुत जल्दी सेल पे आएगी। तो गाइज ये प्रीव्यू, शॉर्ट प्रीव्यू आप सभी को कैसा लगा आप मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और इसका एक्चुअल ऑफिशियल प्रीव्यू किस किस को चाहिए वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, और इस वॉच का किसी और वॉच के साथ कंपेरिजन चाहिए आपको तो वो भी मेरे से पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा लेके आने की। वैसे चैनल पे आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप, बेल आइकन को भी ऑल कर सकते हो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं, लो प्राइसिंग का आपको बेस्ट प्रोडक्ट में मिलती रहती है। वैसे मैं सोच रहा हूँ इसका कंपैरिजन विजनरी के साथ लेके आऊँ, या मतलब आप चाहो तो मैं अमेज़फिट की वॉचेस के साथ भी लेके आ सकता हूँ, या ऑनर की वॉच के साथ भी लेके आ सकता हूँ, और एप्पल की वॉच से तो बनता नहीं है क्योंकि एप्पल का जो इकोसिस्टम होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट यहाँ पे एप्पल को रिजेंबल कर रही तो मेरे ख्याल से एंड्रॉइड iOS से पेयर करने के लिए ओवरऑल यहाँ पे अगर एंड्रॉइड VR इसमें दे दिया, एंड्रॉइड VR OS, तो और भी ज़्यादा अमेजिंग हो जाएगा, ऐप भी आप थर्ड पार्टी इंस्टॉल कर पाओगे जो होती हैं एंड्रॉइड VR के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अब देखते हैं किस OS पे लॉन्च करती है, क्या आपको नॉर्मल ट्रेडिशनल जो वॉचेस में अवेलेबल है वही OS मिलता है, या थोड़ा सा डिफरेंट काम करती है नथिंग, राइट। तो मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।